नमस्कार, इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल और IAPL एक्वाकल्चर फेसबुक पेज में सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगा वो मछलिका सैंपलिंग को लेके। देखिए, जिसका जिसका फिश फार्मिंग है उसको टाइमली सैंपलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप दिमाग में ले लो, आपको टाइमली सैंपलिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों सैंपलिंग करना है? देखिए, यहाँ पे सिंगी मछली का सैंपलिंग हो रहा है। सैंपलिंग कैसे किया जाता है? जैसे 500 ग्राम और 1 किलो मछली को आप उठा लीजिए और उसको वेट लीजिए, वहाँ से एक मछली का वेट कितना है वो निकाल लीजिए। पहले मान लीजिए आपका एक मछली का वेट आया 5 ग्राम, उसके 1000 से डिवाइडेड कीजिए, मतलब 200 लाइन। ये आपको नोट करना है एवरी 15 डेज। और सिंगी मछली कौन सा डेट में कौन सा लाइन में आना चाहिए, तो उसका मैं वीडियो कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में डिटेल बताया था, 10,000 लाइन से एकदम सेल तक। ठीक है, सिर्फ सिंगी मछली नहीं, जैसे आपका कोई है, देखिए कोई का भी सैंपलिंग करना चाहिए। हर मछली को आपको एवरी 15 डेज छोड़ के सैंपलिंग करना चाहिए। गोट सही हुआ नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में हमको कितना लाइन था, कितना लाइन हुआ, कितना दिन में आप लिख सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, सैंपलिंग करने का मतलब क्या है? आपको मछली का ग्रोथ पता चल जाएगा, उसका साथ साथ अगर कुछ प्रॉब्लम आया आपका मछली में वो आपको दिखाई देगा। जैसे माउथ फंगल आया वो आपको दिख जाएगा, आई फंगल आएगा वो आपको दिख जाएगा, पूंछ में अगर कोई फिन रोड आया वो भी आपको दिख जाएगा। इसका साथ साथ पेट में अगर कोई आपको ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का दिखे, तो आप पहले से ही उसको रिकवर कर सकते हो। क्योंकि ये करने से क्या होगा, मछली मरने से पहले आप उसको रिकवर कर सकते हो। और होता क्या है, मछली जब मरना स्टार्ट होता है उसका बाद आप उसको ट्रीटमेंट करते हो। तो हमेशा याद रखिए, एवरी 15 डेज आपको मछली का सैंपलिंग करना है। ठीक है, दूसरा, मछली जब भी बाहर से आता है तो ऐसे एक पैकेट में आता है, उसको आपको क्या करना है, पहले तो आपको सुबह ट्राई कीजिए, सुबह 10 बजे का अंदर, नहीं तो शाम को 4 से 5 बजे का बात कीजिए। मछली छोड़ना है तालाब में, कैसे छोड़ना है, पहले उसको 1 घंटा तालाब के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मछली में पैकेट के अंदर ऑक्सीजन अच्छा है तो 1 घंटा आप वो तालाब में उसको छोड़ दीजिए, बट टैंक में उसको छोड़ दीजिए। उसका बाद वो पैकेट का मुख जो पॉलिथीन जो बांधा हुआ रहता है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने का बाद आपका जो टैंक का वाटर है वो धीरे धीरे उसमें ऐड कीजिए। ऐड करने का बाद IAPL का प्रोबोक्योर, ठीक है, IAPL का प्रोबोक्योर 10 लीटर पानी में आप 1 ग्राम घोल दीजिए और वहाँ से 100-100 ml करके एक एक पैकेट में डाल दीजिए और 2-3 मिनट रखने का बाद उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका मछली में प्रॉब्लम्स जो रहेगा, जिसमें अगर कोई घाव बन जाता है, जो भी बन जाता है, जिसके वजह से आपको 2-3 दिन का बाद वो मोर्टालिटी होता है, वो होगा नहीं। आपको दिखाई दे रहा है 100 ml करके एक एक पैकेज में डाल रहा है, ऐसे ही आपको करना है। ये करने से आपको मोर्टालिटी बहुत कम हो जाएगा। और सेकेंड बात, जिस दिन आपको मछली छोड़ना है उसी दिन आपको खाना नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट डे से आप खाना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। मतलब मान लीजिए उसको 200 ग्राम खाना चाहिए, तो पहला दिन में 200 ग्राम खाना मत दीजिए, पहला दिन में 50 ग्राम दीजिए, सेकेंड डे में उसको 100 ग्राम दीजिए, उसका बाद 150 ग्राम दीजिए, उसका बाद 200 ग्राम दीजिए। ये क्यों? क्योंकि मछली जब भेजा जाता है उसका 24 आवर्स पहले से उसको फीडिंग बंद किया जाता है, और अचानक फीड देने से ज़्यादा खा के पेट फूल के मर सकता है। ठीक है, थैंक यू, आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।